हेलो क्लास, तो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन। हेडिंग डालिए बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। दो मॉलिक्यूल एरोमेटिक एल्डिहाइड के या ग्लाइऑक्सिल के कंडेंस करके बेंजोइन का फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्शन केसीएन और इथेनॉल की प्रेजेंस में होती है। हाईली रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो पॉइंट नंबर वन कि रिएक्शन दो मॉलिक्यूल एरोमेटिक एल्डिहाइड, दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ग्लाइऑक्सिल में होती है। रिएक्शन इज हाईली रिवर्सिबल इन नेचर। रिएक्शन हाईली रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। एंड पॉइंट नंबर थ्री दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ केसीएन, इथेनॉल एंड वॉटर, ठीक है। तो पहला मॉलिक्यूल लेते हैं एल्डिहाइड का। अभी मैं दोनों मॉलिक्यूल एरोमेटिक एल्डिहाइड के सेम ले रही हूं। पहला मॉलिक्यूल है बेंजल्डिहाइड का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है बेंजल्डिहाइड का। किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन? केसीएन इथेनॉल वाटर की प्रेजेंस में। किसका फॉर्मेशन करेंगे? बेंजोइन का। तो ये आपने यहां पर बेंजीन लिखी है, पहले इसे लिखो सी डबल बॉन्ड ओ और दूसरे कार्बन पे आपको ओ एच अटैच करना है एंड अगेन बेंजीन। तो ये दो मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के कंडेंस करके बेंजोइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। बढ़े आगे, मैकेनिज्म। जैसा मैंने आपको बताया कि रिएक्शन दो डिफरेंट एल्डिहाइड के या फिर दो सेम एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच में होती है। तो सबसे पहले स्टेप में डोनर का फॉर्मेशन होता है और उस अनायन का, कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है जो दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाके अटैक करे। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? फॉर्मेशन होगा डोनर का। इन दोनों मॉलिक्यूल में से एक डोनर की तरह एक्ट करता है और एक एक्सेप्टर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। क्या होता है ये अभी आगे देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ डोनर, ये मेरा एरोमेटिक एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। साइनाइड आयन इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। साइनाइड आयन एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ये यहां गया, कौन सी एडिशन रिएक्शन है ये? दिस इज न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होगा? सी ओ माइनस एच एंड सी एन, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस स्टेप में एक न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन होता है, डोनर का जनरेशन होता है जो दूसरे एल्डिहाइड के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करे। तो ऑक्सीजन और कार्बन में से एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? कार्बन है। तो क्या होगा? इस प्रोटॉन का आप ट्रांसफर कर दो इस कार्बन से ऑक्सीजन पे, OHCN माइनस। पहले स्टेप में भी मैंने रिवर्सिबिलिटी का साइन लगाया और दूसरे स्टेप में भी रिवर्सिबिलिटी का साइन लगाया, क्योंकि रिएक्शन हाईली रिवर्सिबल होती है नेचर में।
तो पहले स्टेप में क्या बना? डोनर मॉलिक्यूल बना, ठीक है। स्टेप नंबर टू, अब ये क्या करेगा, दूसरे एरोमेटिक एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे जाकर अटैक करेगा। कहां पर अटैक करेगा? उसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो दूसरा एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाया, सी डबल बॉन्ड ओ और एच, इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहां है? यहां पर। तो यहां से आया, देखो ध्यान से देखो, यहां पर आया माइनस चार्ज, यहां आया OH, यहां आया CN। अब ये अटैक करेगा यहां पर, ये गया यहां पे, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखो, इसीलिए हमने यहां से O- चार्ज का ट्रांसफर यहां पे किया, क्योंकि सेकेंड स्टेप में जाकर ये अटैक करेगा कार्बन पे। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, इसलिए वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो किसका फॉर्मेशन होगा? सी एच ओ माइनस सी ओ एच एंड सी एन, और यहां आ गया आपका बेंजीन, ठीक है। नाउ द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लेवर, इसको पता है कि सी एन माइनस एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज यहां इस ऑक्सीजन से हटकर इस वाले ऑक्सीजन पर आ जाए, इस वाले ऑक्सीजन से इस वाले ऑक्सीजन पे आ जाए, तो साइनाइड का लीव करना बहुत आसान हो जाएगा और एक स्टेबल प्रोडक्ट बेंजोइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसीलिए इस स्टेप में रैपिड प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, रैपिड प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। दिस स्टेप इज द फास्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन का फास्ट स्टेप होता है। डोनर का फॉर्मेशन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ डोनर मॉलिक्यूल इज द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन एंड रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर इज द फास्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन। तो प्रोटॉन का ट्रांसफर एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन पे हो गया, सी एच एंड ओ एच एंड सी ओ माइनस सी एन, और यहां आ गया बेंजीन। माइनस चार्ज यहां से यहां पर आएगा और ये लीव कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइनाइड एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, विच इज अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। तो यहां पर बेंजीन, सी एच ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एंड अगेन बेंजीन। क्या बोलते हैं इसे? बेंजोइन। क्या बोलते हैं? बेंजोइन। अब यहां ध्यान से देखो, ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? इस पे कार्बन आयन अटैक कर रहा है ना, तो इट इज एक्सेप्टर। ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? दिस इज डोनर। ये अटैक कर रहा है ना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा वो डोनर, और जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रोवाइड करेगा वो एक्सेप्टर, ठीक है। पहले स्टेप में डोनर का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ दिस डोनर मॉलिक्यूल इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर इज द फास्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन। तो इन चीजों को जल्दी से लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर वन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS इज द फॉर्मेशन ऑफ डोनर, इसको फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन भी कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन ऑफ बेंजोइन। अच्छा यहां देखो, साइनाइड पहले स्टेप में उसने अटैक किया और लास्ट स्टेप में वो रिएक्शन मिक्सचर से निकल गया, ठीक है।
पॉइंट नंबर टू, फास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज, फास्ट स्टेप क्या है, रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर, रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर. पॉइंट नंबर थ्री, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो रिएक्शन दोनों एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड कर रही है, दोनों एरोमेटिक एल्डिहाइड की पे भी डिपेंड कर रही है और साइनाइड की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रही है. इसका मतलब अगर आप इसका रेट लिखेंगे तो वो होगा के ए आर सी एच ओ एंड सी एन माइनस. दो एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं तो इसके ऊपर पावर हमने लगा दी टू. ये कंसंट्रेशन टर्म्स की जो पावर है इनका सम होता है ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना हो गया, यस 2+1, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 3. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, साइनाइड आयन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और एक अच्छा लीविंग ग्रुप भी है, इसलिए ये रिएक्शन स्पेसिफिकली साइनाइड आयन की फॉर्मेशन में होती है, की प्रेजेंस में होती है. बिकॉज दिस कॉम्बिनेशन इज अ रेयर कॉम्बिनेशन. पॉइंट नंबर 5, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन डोनर होगा और कौन एक्सेप्टर होगा? तो डोनर एक्सेप्टर सिलेक्शन, कौन डोनर की तरह एक्ट करेगा और कौन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा. लास्ट रिएक्शन में देखो, डोनर में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, मतलब डोनर शुड बी अ गुड न्यूक्लियोफाइल, डोनर शुड बी अ गुड न्यूक्लियोफाइल. अब एक्सेप्टर देखो, एक्सेप्टर के कार्बोनिल कार्बन पे डोनर अटैक कर रहा था, एक्सेप्टर के कार्बोनिल कार्बन पे डोनर का कार्बन अटैक कर रहा था. इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन ऑफ एक्सेप्टर शुड बी हाई, सो इट शुड हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. उसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. This is acceptor and this is donor. तो मैं आपको दो मॉलिक्यूल देती हूँ, आपको मुझे बताना है इनमें से कौन एक्सेप्टर है और कौन डोनर है. Identify donor and acceptor in benzoin condensation. Benzene, CHO and NO2. पैरापोजिशन में एक केस में नाइट्रो ग्रुप अटैच है और दूसरे केस में एरोमेटिक एल्डिहाइड में पैरापोजिशन पे NH2 अटैच है. जैसा कि मैंने आपसे कहा था, रिएक्शन सेम एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच में भी हो सकती है और डिफरेंट एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच में भी हो सकती है. तो अब हम लोग डिफरेंट एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच में ये रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, आपको मुझे बताना है इनमें से कौन डोनर होगा और कौन एक्सेप्टर होगा. राइट, तो डोनर की कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी दैट उसकी वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए. तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा कब होगा, जब अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसके पास अटैच होंगे. एक्सेप्टर की कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी दैट उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिक जो सेंटर है वो अच्छा होना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए. ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए. पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ेगा, जब उसके साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच होगा जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा. नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, NH2 ग्रुप डोनेट करेगा. तो मतलब सेकेंड मॉलिक्यूल कैन नॉट एक्ट एज गुड एक्सेप्टर.
अगर NO2 अटैच है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इट विल एक्ट एज गुड एक्सेप्टर, क्योंकि इस केस में कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाई होगी। इस केस में ये एक अच्छे डोनर की तरह एक्ट करेगा। मतलब अगर पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो इट विल एक्ट एज डोनर, डोनर डोनेटिंग। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो इट विल एक्ट एज एक्सेप्टर। ठीक है, क्लियर? चलो इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिया नोट, अब आपको इन दोनों मॉलिक्यूल में मुझे एक्सेप्टर और डोनर बताना है। CHO एंड अगर मैं इन दोनों के बीच में रिएक्शन परफॉर्म करा रही हूं, ठीक है, इसके बीच में हमने रिएक्शन परफॉर्म कराई, KCN, इथेनॉल एंड वाटर। ऑल्सो यू नीड टू फॉर्म द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। तो क्या होगा, एक्सेप्टर देखते हैं। इन दोनों में से एक्सेप्टर की तरह कौन एक्ट करेगा? एक्सेप्टर में इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बोनिल कार्बन की हाई होनी चाहिए। मतलब अगर कार्बोनिल कार्बन की किसी भी एडजेसेंट पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो वो उसको एक अच्छा एक्सेप्टर बनने में हेल्प करेगा। तो अगर ये मान लो डोनर की तरह एक्ट करता है तो क्या बनाएगा, COH एंड CN माइनस, ठीक है। और अगर ये डोनर की तरह एक्ट करता है तो क्या बनाएगा, C माइनस CN एंड OH, ठीक है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन इजिली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाएगा, इसे नाइट्रोजन इजिली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाएगा। यहां पर जब रेजोनेंस होगा तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा नाइट्रोजन के कंपेरिजन में। तो इसका मतलब नाइट्रोजन, ये इट विल एक्ट एज गुड डोनर एंड इट विल एक्ट एज एक्सेप्टर। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, इसीलिए वो कार्बोनिल कार्बन पे नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो इट विल नॉट एक्ट एज डोनर, इट विल एक्ट एज एक्सेप्टर, इट विल एक्ट एज एक्सेप्टर। अगर एक्सेप्टर की तरह एक्ट कर रहा है तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, CO ग्रुप आपको जो फाइनल प्रोडक्ट आप बनाते हो, CO ग्रुप आपको एक्सेप्ट डोनर के एडजेसेंट पोजीशन पे लगानी है। दोनों में से डोनर कौन है, ये वाला मॉलिक्यूल। तो पहले इस मॉलिक्यूल को लिखो, पहले इस मॉलिक्यूल को लिखो NH। अब कार्बन C डबल बॉन्ड O ग्रुप डोनर की एडजेसेंट पोजीशन पे लगाना है, तो C डबल बॉन्ड O CH OH एंड यहां पे आ गया ये आपका, ठीक है, यहां पे CO ग्रुप should be at adjacent carbon of donor, ठीक है। next question,
अगर यहीं पे फर्फ्यूरल होता CHO तो क्या बनता, इसके दो मॉलिक्यूल कंडेंस कर रहे हैं, ठीक है, इसके दो मॉलिक्यूल कंडेंस कर रहे हैं, KCN ETOH एंड वाटर। तो अगेन मान लो ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, CO ग्रुप कहाँ अटैच करना है, डोनर के एडजेसेंट पोजीशन पे। तो आपने पहले ये बनाया C डबल बॉन्ड O, CH, OH एंड ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए रिएक्शन डाइएल्डिहाइड, डाइकार्बल्डिहाइड और ग्लायोक्सल के बीच में हो रही है, तब क्या होगा, KCN ETOH अगेन। अब इस केस में ग्लायोक्सल विल एक्ट एज, इट विल एक्ट एज डोनर, इस केस में ग्लायोक्सल विल एक्ट एज डोनर एंड इट विल एक्ट एज एक्सेप्टर। इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन की ज्यादा है, तो क्या होगा, पहले स्टेप में C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O H, CN माइनस आयन अटैक करेगा इस कार्बन पे, क्या जनरेट करेगा, डोनर मॉलिक्यूल, CN माइनस, एक CN माइनस ने यहां अटैक किया, दूसरे साइनाइड ने यहां अटैक किया, बताओ ठीक है, क्या बनाया, CHO माइनस CN एंड यहां पे CO माइनस H एंड CN, दोबारा से सेम, यहां पे हाइड्रोजन का ट्रांसफर यहां से इस ऑक्सीजन पे होगा, तो C माइनस OH CN एंड C माइनस OH एंड CN बन गया। दिस इज द जनरेशन ऑफ योर डोनर मॉलिक्यूल एंड इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये डोनर मॉलिक्यूल इस एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। नाउ स्टेप नंबर टू, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, डोनर क्या बना, सी माइनस सी एन ओ एच, सी माइनस सी एन एंड ओ एच, देखो यही बना, ठीक है, ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, ये यहां शिफ्ट हो गए, अभी क्या बनाया इसने, बेंजीन रिंग, ध्यान से देखो, सी एच ओ माइनस सी एच O माइनस, ठीक है, इस कार्बन के साथ CN भी अटैच है और OH भी अटैच है, इसके साथ भी CN भी अटैच है और OH भी अटैच है। अब क्या होता था, रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर, इसके बाद क्या होता था, रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर, दिस इज रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर, ये हाइड्रोजन यहां से इस वाले ऑक्सीजन पे जाएगा, सी एच ओ एच, सी एच ओ एच एंड यहां आ गया सी एन ओ माइनस
O माइनस एंड सी एन, देखो ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे, सी एन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये यहां से यहां चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए और सी एन यहां से यहां चला गया, ठीक है क्लियर। देखो इसे सेम वैसे ही किया जैसे हमने लास्ट इसके मैकेनिज्म में किया था, ठीक है। सबसे पहले ग्लायोक्सल से हमने डोनर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, डोनर मॉलिक्यूल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करने के बाद रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, आपका एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन के पास जाएगा और देन ये यहां आ जाएगा और ये लीव कर जाएगा, क्या बना सी एच ओ एच एंड यहां पर सी एच ओ एच एंड डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। ये टॉटोमराइज कर सकता है, टॉटोमराइज करेगा और क्या बनाएगा, टॉटोमराइज करेगा और क्या बनाएगा, ये वाला हाइड्रोजन बच्चा यहां से यहां आएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां से इस ऑक्सीजन पे जाएगा, क्या बनाएगा ये चार OH आ गए। टॉटोमराइज करने के बाद प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों क्यों स्टेबल होगा, क्योंकि एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। दोबारा देखो, सबसे पहले क्या हुआ, ग्लायोक्सल ने कार्बन आयन का फॉर्मेशन किया, कार्बन आयन ने एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के, ये एक्सेप्टर है जो एक अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रोवाइड कर रहा है, ये डोनर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया, ये बना लिया, रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन के पास चला गया, देन साइनाइड एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए, साइनाइड लीव कर गया और ये बना लिया, देन इसने टॉटोमराइज करके एक ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक क्वेश्चन में आपको सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, ठीक है। इसमें दो की बजाय यहां पर चार सी एच ओ, दो की बजाय यहां पर चार सी एच ओ और इसकी रिएक्शन आप ग्लायोक्सल के साथ करा रहे हो, के सी एन ई टी ओ एच एंड वॉटर। मुझे बताओ जब एक था तब क्या हुआ था, उसके साथ वाली ध्यान से देखो, जब एक था तो क्या हुआ था, एक मॉलिक्यूल था मतलब एक ही साइड पर सी एच ओ अटैच थे तो उसके साथ वाली रिंग पे चारों कार्बन की पोजीशन पे ओ एच आ गए। देखो चारों पोजीशन पे ओ एच आ गए थे, अगर यहां पर इस साइड भी है सी एच ओ और इस साइड भी है तो उस केस में क्या होगा, इस साइड भी रिंग का फॉर्मेशन होगा जिसमें चारों कार्बन पे ओ एच अटैच होंगे और इस साइड भी रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो इसे आप ट्राई करेंगे घर पे, आपका प्रोडक्ट बनेगा ये, तीन रिंग बनेंगी ओ एच ओ एच ओ एच एंड ओ एच ओ एच। सिमिलरली जैसे हमने लास्ट किया था ना वैसे ही ये होगा, अगर आपसे ना हो वैसे हो जाए, ठीक है। ओके ओके थैंक यू सो मच। एक बार पूरी क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। बेंजोइन कंडेंसेशन इज द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड
सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. हाईली रिवर्सिबल रिएक्शन होती है KCN, इथेनॉल और वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है. एक मॉलिक्यूल डोनर की तरह एक्ट करता है, दूसरा मॉलिक्यूल एक्सेप्टर की तरह एक्ट करता है. देन फॉर्मेशन ऑफ डोनर मॉलिक्यूल इज द फर्स्ट स्टेप एंड इज द रेट डिटरमाइनिंग स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन. सेकेंड स्टेप में ये डोनर मॉलिक्यूल एक्सेप्टर के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है और आपका उसके बाद के स्टेप में रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर होता है और साइनाइड लीव कर जाता है. ठीक है, दिस इज बेंजोइन का फॉर्मेशन के लिए. तो हमें कुछ चीजें याद रखनी है. पहली चीज, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ डोनर मॉलिक्यूल. फास्ट स्टेप रिएक्शन का है रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर. ऑर्डर रिएक्शन का 3 है. साइनाइड आयन एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप भी है, इसीलिए हमने इस रिएक्शन में साइनाइड को चूज किया, बिकॉज इट इज वेरी रेयर कॉम्बिनेशन टू फाइंड. देन डोनर एक्सेप्टर सिलेक्शन किया हमने. डोनर एक्सेप्टर सिलेक्शन मतलब कौन डोनर की तरह एक्ट करेगा, कौन एक्सेप्टर की तरह करेगा. तो यहाँ हमने ये देखा कि डोनर वो होगा जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और एक्सेप्टर वो होगा जिसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज्यादा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज है. तो आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आपको दे दिया जाए, जैसे ये दो मॉलिक्यूल दिए, तो जिसकी पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या जिसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, वो एक अच्छे एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोफिलिक जो उसका जो सेंटर है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी. और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है वो एक अच्छे डोनर की तरह एक्ट करेगा, राइट. देन हमने कुछ क्वेश्चन किए जिसमें हमने ये देखा कि कैसे हम लोग डोनर और एक्सेप्टर को सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, परफ्यूरल में भी बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन होती है. देन हमने ये आपका क्वेश्चन किया जिसमें रिएक्शन परफॉर्म की ग्लायोक्सल और एक्सेप्टर के बीच में और फॉर्म किया आपका बेंजोइन का प्रोडक्ट बनाया. ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच.